हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रेवल विद डेवलपर में। और जैसा कि आपने थंबनेल का टाइटल देख लिया, कॉपीराइट स्ट्राइक, तो हमारे चैनल पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। और ये क्यों आया ये भी हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। और सबसे पहले हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अपनी जो जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है चैनल पे, वो अपने वीडियो को हम संदीप भुल्लर सर तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटवा रहे हैं इस समय। और मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि आप इंस्टाग्राम पे पिन करेंगे तो शायद उन तक इन्फॉर्मेशन ना पहुँच पाए, अगर हम यूट्यूब की वीडियो बनाएंगे तो शायद बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाए। तो प्लीज़ अगर वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर भी हेल्प करें। और मैं जीमेल आईडी अपनी प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में। तो संदीप भुल्लर सर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवा दें। और अब मैं बता दूँ ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आया। रिसेंट में ही जब विराट कोहली सर ने 100 मारा था, तो मैंने उसकी छोटी सी क्लिप बना के शॉर्ट वीडियो में डाल दी थी, जिसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कॉपीराइट स्ट्राइक का क्लेम आया। और ये कल मैंने मॉर्निंग में ही चेक किया, जब 2 दिन से तो मैं फीवर में था, और जब फीवर जब थोड़ा सही हुआ तो मैंने जीमेल आईडी खोली जहाँ पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक का मैसेज मिला हुआ था। तो मैंने उनका कांटेक्ट भी किया, लेकिन अभी तक उनका कोई रिवर्ट नहीं आया है। और फिर मैं यूट्यूब पे गया जहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला था अटेंड कॉपीराइट स्कूल, अटेंड भी किया और क्वेश्चंस वगैरह सारे टिक भी सही किए थे। तो अभी अभी कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है यूट्यूब की तरफ से। तो अभी कुछ भी इसके ऊपर अगर आता है तो हम इसको अपनी वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे आगे चल के, और नहीं आता तो संदीप बोल रहे सर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी एक बार चेक कर लें और कॉपीराइट स्ट्राइक के ये जो भी उसको हटवा दें, क्योंकि ये क्लिप मैंने टीवी से रिकॉर्ड की है और इसको शॉर्ट वीडियो में डाला है, जिसके ऊपर मैं कुछ भी अर्निंग नहीं कर सकता। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे वीडियो को भी चेक कर लें और जो भी इसके ऊपर डिसीजन होता है वो उसके ऊपर ज़रूर लें। और अगर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है कॉपीराइट स्ट्राइक हटवाने का, तो प्लीज़ उसको हटवा दें। तो बस यही कहना था इस वीडियो में। तो देखते हैं आगे, उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे अगर उनसे कॉन्टैक्ट हो पाता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।